फिल्म की जो शुरुआत हुई मेरे साथ वो मेरी अपनी कहानी से हुई, क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, मैं ड्रॉड और साइक्लोन सब कुछ देखा हूँ। एक ऐसी जगह पे कहानी मैंने पहले सोची थी कि जहाँ पे समंदर गांव को खा चुका है, अब हैंडपम्प घरें सब कुछ समंदर के अंदर है। ये पिक्चर देख के मेरे को अजीब बहुत ज़्यादा शौक लगा, उस शौक को मैं एक रूपांतर दिया अपनी सिनेमा के माध्यम से और स्टोरी को कहानी को लेकर आया मैंने चंबल में, जहाँ पे एक बूंद पानी नहीं है पीने के लिए। तो ये दो एक्सट्रीम वेदर की कहानी है, एक जहाँ पे पानी बहुत है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, जहाँ पे पानी नहीं है उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। एक्टर्स तो देखिए, अब ऐसे तीन कलाकार हैं फिल्म में जिनका मतलब आप जिनकी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कलाकार कैसे हैं, संजय मिश्रा, रणवीर शोरे और तिलोत्तमा सोम हैं, जिनकी काम आप सब लोग देखें और आई थिंक दिस इज वन ऑफ देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, आई कैन गारंटी ऑन दैट। देखिए फिल्म में जो बहुत बड़ा मुद्दा देखते हैं वो है कि आपकी अपनी निजी ज़िंदगी में जो हो रही है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वही चीज़ नज़र आएगी, लेकिन पहली बार आपको थप्पड़ देके जाएगी कि ऐसे भी हो रही है स्थिति और हमको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत मज़ा आया फिल्म बनाते हुए, मुश्किल था लेकिन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, को एक्टर बहुत बढ़िया हैं, डायरेक्टर बहुत बढ़िया थे, टीम बहुत बढ़िया थी, तो बहुत मज़ा आया फिल्म बनाते हुए। हालांकि हमने बहुत मुश्किल हालात में फिल्म बनाई, 48-50 डिग्री में धौलपुर में शूट की फिल्म, वो भी गर्मियों की पीक में, पीक समर में, तो मतलब समझ लीजिए भारत की सबसे गर्म जगह में शूट कर आए हम लोग एक डेढ़ महीना। बट स्क्रिप्ट अच्छी हो, रोल अच्छा हो, डायरेक्टर अच्छा हो, वो एक्टर्स अच्छे हों, तो वो सब तकलीफ़ें कुछ नहीं लगती, मज़ा आता है। मैं कैरेक्टर एकदम नॉर्मल सा एक इंसान है जिसकी बस आंखें नहीं हैं और फॉर्मर फार्मर मतलब पुराना किसान रह चुका है, लेकिन अब किसानी भी नहीं होती, खेती भी नहीं होती बिकॉज ऑफ द वाटर, एंड उसके बाद जो उसकी सर्वाइवल की ज़िंदगी है कि किस तरह से वो जी रहा है अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ। मैं प्ले करता हूँ एक बैंक लोन रिकवरी एजेंट, जो कि बहुत ही यहाँ वही एरिया में जो काम करता है जहाँ सूखा पड़ा हुआ है बुंदेलखंड में, जहाँ पर इनका गाँव है, उस गाँव में बहुत जो फार्मर्स हैं वो लोन के तले दबे हुए हैं, तो ये एक लोन रिकवरी एजेंट बनकर वहाँ आता है और ये बहुत ही कह लीजिए निर्दयी और रूथलेस और रिवेंटलेस तरह का लोन रिकवरी एजेंट है। ये जहाँ भी जाता है वहाँ दो चार लोग किसान आत्महत्या करते हैं बिकॉज ये इतना रूथलेस है। ये मेरा कैरेक्टर है, तो ये इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे उनका जो रिलेशनशिप है, ये फिल्म का सेंट्रल। Thank you.